So hey guys, what is up? This is me Gaurab and you are watching Pokemon Assemble. तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूँ डोरेमोन का एक और मिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जापानीज लोगों को समंदर के अंदर डोरेमोन का रोबोट मिला। और ये फुल स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे ही एक्सक्लूसिव है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम लोगों को इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन देने की। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे बिजनेस की कमी नहीं है, और जापानीज पीपल बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होते हैं। और ये स्टोरी भी है कुछ जापानीज क्यूरियस फ्रेंड्स के बारे में। तो ये बात है 13 अप्रैल 2012 की, जब कुछ जापानीज फ्रेंड्स एक बीच / समंदर में जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में वैकेशन यानी कि छुट्टी मिली थी और वो लोग इस वैकेशन का पूरा मजा लेने की सोच रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ये प्लान किया था। फिर क्या, प्लान बनाने के बाद ये सभी फ्रेंड्स मिलके बीच में घूमने चले आए, और यहाँ पे इन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। ये सभी फ्रेंड्स मिलके अपनी वैकेशन का पूरा मजा ले रहे थे, मगर इन लोगों को ये नहीं पता था कि लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। तो इनके वैकेशन के तीसरे दिन में 4 में से 2 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग समंदर के अंदर स्कूबा डाइविंग करेंगे। इन 4 में से 2 दोस्तों ने स्कूबा डाइविंग के लिए मना कर दिया होता है, क्योंकि उन लोगों को समंदर के अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा होता है कि इंसानों ने अभी तक समुंदर की गहराइयों का राज यानी कि मिस्ट्रीज को अभी तक सॉल्व नहीं किया। एंड टू बी फेयर, उनका डरना एकदम जायज़ है, क्योंकि इंसानों ने सच में अभी तक समुंदर का एक राज तक सॉल्व नहीं किया। खैर, इन दोनों दोस्त ने तो मना कर दिया, मगर बाकी 2 दोस्त अकेले चले जाते हैं स्कूबा डाइविंग करने। और वो लोग जैसे समंदर के अंदर आते हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत मजा आता है। उन लोगों को कुछ अनोखी मछलियाँ दिखती है जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। फिर वो दोनों फ्रेंड्स समंदर के और डीप में एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं कि तभी एक दोस्त अचानक से चिल्लाता है और अपने दूसरे दोस्त को बुलाता है। और फिर जब वो दूसरा दोस्त उसके सामने आता है, उसे नजर आता है कि उसके सामने एक डोरेमोन का स्टैचू है। उन्हें पहले ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ एक स्टैचू ही है। फिर वो लोग उस स्टैचू के पास आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, मगर सरप्राइजिंगली वो स्टैचू उनसे जरा सी भी नहीं हिलती। और इसके बाद वो दोनों दोस्त ऊपर जाके बाकी दोस्तों को ये सब के बारे में बताते हैं। और फिर जब ये दोनों दोस्त बाकी दोनों दोस्त को इस सब के बारे में बताते हैं, तो वो 2 दोस्त प्रपोज करते हैं कि चलो हमें इस चीज़ के बारे में मीडिया को बताना चाहिए, ताकि इसके रिगार्डिंग और इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ये सुनने के बाद ये दोनों दोस्त फिर से समंदर के अंदर जाते हैं और डोरेमोन के स्टैचू के पास जाके कुछ फोटोज क्लिक करते हैं, ताकि जब ये मीडिया को रिपोर्ट करे तो इनके पास कोई प्रूफ हो रिपोर्ट करने के लिए। इसके बाद वो 4 दोस्त मिलके मीडिया को इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद मीडिया के थ्रू पुलिस और पूरे जापान को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, और उस पूरे समंदर में जिसका नाम है सागामी बे, जो कि कानागावा में है, उसमें पूरा नाकाबंदी लग जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फिर वहाँ के सभी पुलिस ने मिलके इस डोरेमोन के स्टैचू को समंदर में से एक क्रेन की मदद से बाहर निकाला और जापानीज साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। इसके बाद जापानीज साइंटिस्ट ने अपना जी जान लगा के इस डोरेमोन के स्टैचू को ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर रिसर्च किया। और क्रीपी बात तो ये है
कि इसका रिजल्ट में ये आया कि ये डोरेमोन का कोई स्टैचू है ही नहीं, बल्कि ये डोरेमोन खुद है जो कि समंदर के गहराइयों में 450 साल से भी ज़्यादा टाइम से गिरा पड़ा था। और ये न्यूज़ पूरे जापान में आग की तरह फैल जाती है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसने इस न्यूज़ के बारे में ना सुना हो। जापान में एकदम से केओस छा जाता है। सब लोग ये जानना चाहते थे कि डोरेमोन का रोबोट समंदर में आया कैसे और आखिर इस रोबोट को बनाया किसने था। लेकिन गाइज, उससे पहले मैं तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दो और 8K लाइक्स कंप्लीट कर दो। और हाँ, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गेटिंग बैक टू द वीडियो, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक जैपनीज डोरेमोन फैन ये पॉइंट आउट करता है कि अरे, ये चीज तो डोरेमोन के एक मूवी में भी हो चुका है। जिसके बाद बाकी डोरेमोन फैंस भी नोटिस करते हैं कि हाँ, ये तो सच में डोरेमोन के एक मूवी का सीन की तरह लग रहा है, जो कि एकदम सही बात थी। डोरेमोन के मूवी डोरेमोन एंड द टीन लैबरिंथ मूवी में डोरेमोन को बहुत टॉर्चर करके उसको बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक देके जब उसका ब्रेन फ्यूज कर दिया गया था, तब उसको ऐसे ही समंदर में फेंक दिया था। और मुझे पक्का पता है कि तुम लोगों ने भी इस मूवी को देखा होगा। और जब ये सभी बात जापानीज गवर्नमेंट को पता चली तो उन लोगों ने इस बात को जापान में ही कॉन्फिडेंशियल करने की कोशिश करी, मगर थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया और सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए। इसी केओस के बीच इसी इंसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बाहर निकलने लगी बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स में, और इन्हीं में से पॉपुलर वेबसाइट है 4chan। 4chan आज से करीब बहुत सालों पहले जापान में क्रिएट किया गया था, जहां पे बहुत सारे मिस्ट्री लवर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आते हैं और मिस्ट्री सॉल्व भी करते हैं। यहां तक कि कुछ लोग इसी वेबसाइट में मिस्ट्रीज क्रिएट भी करते हैं। और 4chan का ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये कहा गया था कि ये वाला डोरेमोन आज से करीब 450 साल पहले टाइम ट्रेवल करके किसी की मदद करने के लिए आया था, ठीक नोबिता की तरह। और जैसा कि तुम सभी को पता ही होगा कि टाइम ट्रेवल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से इस वाले डोरेमोन को टाइम पेट्रोल ने सजा देके खत्म कर दिया होगा और समंदर में फेंक दिया होगा। और उन थ्योरिस्ट का ये मानना था कि ये डोरेमोन जिसकी हेल्प करने के लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि फुजियो एफ फुजियो के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे। वेल, एट द एंड ऑफ द डे ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है और इसका रियलिटी हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि डोरेमोन के क्रिएटर यानी फुजियो एफ फुजियो की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। और ये थ्योरी रियल है या फेक, ये राज भी उनके साथ ही चला गया है, जो कि हमें कभी भी पता नहीं चलेगा जब तक कि टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन ना हो जाए। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और लाइक एम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, ये बस एक होक्स है जिसको मैंने एज अ क्रीपी पास्ता तुम लोगों के सामने प्रेजेंट किया। सो आई होप कि तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इसको सीरियसली मत ले लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।